नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर मैं हूं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद शशांक। और सब कहें तो भाई, मौका क्रिकेट का फिर से एक तरह से शुरू होने वाला है। कल मेजबान न्यूजीलैंड के साथ पहला T20 मैच होगा और वहां पर युवा टीम इंडिया हमें देखने को मिलेगी, तो विदेशी पिचों पर कितनी उम्मीद आप कर रही हैं इस यूथ टीम इंडिया से? देखिए, खिलाड़ियों में तो बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है, हालांकि कुछ यंगस्टर्स को जरूर इंक्लूड किया गया है, लेकिन जिस तरह से स्टैंडिंग कोच वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, तो उम्मीद बनती है कि थोड़ा सा वर्ल्ड कप से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम भी यही चाहेगी कि वो अपने सेमीफाइनल की हार को भुला के आगे बढ़ें, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरफ जाती है चीजें। चलिए उत्तरा जी, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मनु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल की टीम जूनियर, महिला टीम जूनियर ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल वेलिंगटन में। लशु यादव युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और रामकुमार रामनाथन जापान एटीपी चैलेंजर टेनिस के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। खबरों की शुरुआत करते हैं हम दक्षिण कोरिया से, सीधे चलते हैं। वहां एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में सोना बरसने का सिलसिला जारी है। आज भारतीय महिला जूनियर पिस्टल टीम ने स्वर्ण पदक जीता और सीनियर महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। जूनियर वर्ग में मनु भाकर, ईशा सिंह और शिखा नरवाल की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में दक्षिण कोरिया को ही हराकर जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो उत्तरा जी, लगातार मेडल्स आ रहे हैं, यहां पर अगर हम देखें तो अब तक 22-23 मेडल्स हो चुके हैं, स्वर्ण पदक हो चुके हैं, टीम इंडिया जो है वो लीड कर रही है। ऐसी उम्मीद थी कहीं ना कहीं हमारे निशानेबाजों से इस प्रतियोगिता में? देखिए, उम्मीद हमेशा रहती है और निशानेबाज हमेशा हमारी उम्मीदों पे खरे भी उतरते हैं, पर मुझे ये लगता है कि पिछले जिस तरह से दो ओलंपिक्स में चीजें गड़बड़ हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम 4 साल तक लगातार हर छोटे बड़े टूर्नामेंट में इस बात के लिए खुश होते हैं कि हमारे इतने पदक आए हैं, हमारे इतने खिलाड़ियों ने कोटा प्लेस जीत लिया है, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब हम लोगों को संभल के इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये भले ही जूनियर है, भले ही कॉम्पिटिशन है, लेकिन इसमें जितने भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस है सीनियर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप ये उम्मीद करते हो कि जब आप इतने एक्सपीरियंस और टैलेंट के साथ उतरते हो तो पदक आपके आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब बात ओलंपिक्स की आती है तो कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम धीरे धीरे अब बिल्डअप करना शुरू करें अपने निशानेबाजों का, तो थोड़ा सा बेहतर होगा, ना कि हर मेडल आने पे या हर पदक आने पे हम अपनी उम्मीदें इतनी बढ़ा लें कि अगर वो पूरी ना हो तो उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। नो डाउट, तो वही ओलंपिक के लिए थोड़ी तैयारी जोरदार रखें, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। और क्रिकेट की ओर रुख करें तो भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच तीन टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल दोपहर 12 बजे वेलिंगटन में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल 11:30 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। तो यहां पे उत्तरा जी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में है टीम इंडिया, और कैसा प्रदर्शन आप देखते हैं, कितनी चुनौती वहां पर न्यूजीलैंड की टीम को दे पाएगी हमारी टीम? मुझे लगता है कि मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भारत की तरफ से अगर देखें तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ये लगातार वर्ल्ड कप के दौरान भी बात हो रही थी कि इनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उतना मिल नहीं पाया। ऋषभ पंत खुद की, अगर हम ऋषभ पंत की भी बात करें जो हमारे फ्यूचर माने जाते हैं, फ्यूचर कप्तान भी देखते हैं बहुत से लोग उनको, वो भी अपनी जगह को लेके बहुत श्योर नहीं थे वर्ल्ड कप में। अभी उन्होंने कुछ मैच खेले, कुछ नहीं खेले, दिनेश कार्तिक को प्रेफर किया गया कई बारी उनकी जगह पे। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे कि उनको क्यों फ्यूचर की तरह देखा जाए। और साथ में जो यंगस्टर्स हैं,
चाहे वो उमरान मलिक है या शुभमन गिल है, इन लोगों को जरूर ये लगेगा कि अपनी एक जगह बनाई जाए, क्योंकि आप भी ये समझते हैं और मेरे ख्याल से दर्शक भी ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली या केएल राहुल अब हमारी अभी की रीढ़ जरूर हो सकती है, लेकिन आप उनको फ्यूचर की तरह नहीं देख सकते हैं, खास करके T20 फॉर्मेट में, जिसमें आपको बहुत एग्रेसिव होके और नए तरीके से सोचना पड़ता है, जहां पे आप एक सेट माइंडसेट के साथ उतर नहीं सकते, आपको किसी भी मूवमेंट पे अपना प्लान बी सी डी लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे जितने खिलाड़ी हैं उसमें कुछ ये जरूर चाहेंगे कि वो अपने आप को दोबारा से प्रूव कर सकें कि वो डिजर्व करते हैं टीम में रहना, और जो यंगस्टर्स हैं वो ये जरूर चाहेंगे कि आने वाले वक्त के लिए अपनी जगह अभी से बनानी शुरू करते हैं। जी, आपने भविष्य की बात की, तो भविष्य के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं वनडे और T20 दोनों में अलग अलग कप्तान और अलग अलग टीम के बारे में सोचना चाहिए, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि अगर हम इंग्लैंड जैसी टीम की बात करें तो उन्होंने बहुत समय से ये चीज की है। कुछ प्लेयर्स जरूर आपके कॉमन हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स या जोस बटलर टाइप के अगर हम खिलाड़ी बोलें, लेकिन ऑलमोस्ट 70-80% आपका स्क्वाड अलग ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेली जाती है और जितनी अलग अलग तरीके की क्रिकेट खेली जाती है उसमें सिर्फ फॉर्मेट नहीं आता, चाहे टेस्ट मैच, वनडे और T20, तो तीन फॉर्मेट हो गए, पर उसके अलावा आपके वर्ल्ड कप या मल्टी टीम इवेंट्स हो जाते हैं, आपके बायलैटरल सीरीज होती हैं, आपके IPL हो जाते हैं भारतीय खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, तो इतनी क्रिकेट खेलते हुए उसी 15-16-20 के साथ अगर आप पूरा साल खेलना चाहेंगे तो वही होगा जो वर्ल्ड कप से पहले जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ था। आपको अपने बेस्ट खिलाड़ी अपने बेस्ट टूर्नामेंट्स के लिए नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपने उनको पूरा साल इतना खेला होता है कि मशीन नहीं है, ह्यूमन बॉडी कभी तो टूटेगी ही टूटेगी, चाहे आप कितने भी फिट हो। तो अलग अलग टीम बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, बल्कि प्लेयर को प्रिजर्व करने और उनकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए भी, कि वो कितना लंबा खेल सकते हैं। अगर आप एक प्लेयर को पूरा साल घिसेंगे तो वो आपको 3 साल में आपका वो प्लेयर बिल्कुल इंजरी और टूट फूट के साथ बाहर हो जाएगा, फिर आपको एक नया खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि टीम प्रबंधन इसके बारे में सोचे, और श्रृंखला का दूसरा मैच 20 नवंबर को और तीसरा मैच 22 नवंबर को खेला जाएगा, और इसके बाद 3 वनडे मैचों की श्रृंखला भी खेली जाएगी जहां पर शिखर धवन की अगुवाई में टीम उतरेगी। और महिला क्रिकेट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, महिला T20 चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी की 4 टीमों के लिए पूनम यादव, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर और स्नेह राणा को कप्तान बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 20 से 26 नवंबर तक रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और रुख करते हैं फुटबॉल का, तो कतर में रविवार से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें लैटिन अमेरिकी देशों और यूरोपियन देशों के बीच जो वो खिताब जीतने की होड़ होती है उस पर होगी। तो जरा ये रिपोर्ट सुनते हैं और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। The 22nd edition of the tournament, which was born out of Jules Rimet's dream in 1990, will kickstart for the first time in the Arabian Peninsula. Now, most of the relevant sporting question is, can Latin America, especially Brazil and Argentina, revive their past glory? Can they come out from the grip of European hegemony? Will true football lovers get the glimpse of unique Latin Americans' ball play in this winter edition? Now, the countdown timers have arrived on television screen and social network across the globe. The fans in Latin America and India, especially Bengal, Kerala and Goa, tick off the days, hours and minutes until the opening match of FIFA World Cup on the 20th of November to have a surrealistic sight of Latino theatre. 6 Latin American countries, Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Uruguay have qualified for this mega event. And millions of fans from other countries across the regions will closely follow the tournament. Now after joining of Neymar, the 5-time world champion, Brazil will start their campaign with the hope to get the title after 2 decades. On the other hand, the undisputed star, Lionel Messi, leading the Argentinian side to Qatar on a 35 games unbeaten streak. Like Neymar, Messi is also looking to crown his glorious career with the coveted trophy. Can he script another revised Arabian Night in this biggest soccer extravaganza? However, the football lovers across the globe are biding their time for almost 1-month-long breathtaking mega event in Qatar. With Pratyush Ghosh, this is Saira Mushtaba for SportsCan. Haya.
तो उत्तरा जी, फीवर चढ़ने वाला है, रविवार से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिकन देशों में ब्राजील ने 5 बार, अर्जेंटीना और उरुग्वे ने 2-2 बार खिताब जीता है। उधर यूरोपियन देशों की बात करें तो इटली, जर्मनी ने 4-4 बार, फ्रांस ने 2 बार, इंग्लैंड, स्पेन ने 1 बार। तो आपका टेक किधर है, आपका झुकाव किधर जाता है, किसे आप देख रही हैं मजबूत? देखिए, यूरोप और साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो फुटबॉल की जो स्पेशली बात होती है तो वही कंपैरिजन आपको नॉर्मली मिलता है जो आप नॉर्मली हॉकी में यूरोप और एशिया की बात करते हैं कि स्ट्रांग प्ले है, प्रोफेशनल प्ले होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है यूरोप में उनकी फुटबॉल और हॉकी दोनों में। और जब आप साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो एक आर्टिस्ट्री होती है, एक फ्लैम्बॉयंस होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक ऑरा होता है। तो बहुत ही दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स होते हैं और ये चुनना बहुत मुश्किल है कि आपको आप किसको पसंद करें, क्योंकि देखने में नो डाउट आपको ब्राजील की टीम या अर्जेंटीना की टीम जो है या इवन मेक्सिको की टीम जो जब खेलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है उनको खेलता हुआ देखने में। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर, और वो रिजल्ट का जो झुकाव होता है वो यूरोप की तरफ आपको दिखता है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, पिछले 8, 10, 12, 15 साल की अगर बात करें तो अगर मेरे को देखने के हिसाब से आप पूछेंगे तो किसी भी दिन आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज को प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर दिमाग से पूछेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको यह लगता है कि यूरोप का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, वो 51-49% में जाएगा जी। और कतर की मेजबानी को आप कैसे देख रही हैं, और इतनी गर्मी है और सब कुछ है, लेकिन क्या लगता है इस बार कहां पर निगाहें होंगी सबकी? ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कभी इस तरह के माहौल में प्रोफेशनल फुटबॉल वो भी इस लेवल की खेली नहीं गई होगी, और नए तरीके से पूरे स्टेडियम तैयार किए गए हैं, स्टेडियम के अंदर एयर कंडीशनर्स लगाए गए हैं, एयर कंडीशनड ब्लोअर्स लगाए गए हैं ताकि वहां पे उतनी गर्मी ना बढ़े। हालांकि उसके बाद भी जितने खिलाड़ी वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, उन सबका यही कहना है कि उनको इस चीज की आदत नहीं है इतने टेम्परेचर्स में खेलने की प्रोफेशनली। नई पूरी एक तरह से पूरा देश नया बनाया गया है सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब वो पहला विसल बजेगा और जब किक ऑफ होगा तो निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस घास पे होंगी जहां पे आपको खिलाड़ी नजर आएंगे, क्योंकि जब गेम शुरू होता है बाकी सारी चीजें गेम के पहले होती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे वो टीम कॉम्बिनेशंस की बात हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी की बात हो, चाहे वो उसकी मेजबानी के वो लायक हैं या नहीं है, वो हकदार हैं या नहीं है, ये सारे सवाल आपके खत्म हो जाते हैं जब पहले मैच की विसल बजती है, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा का पूरा ध्यान जो होता है वो सिर्फ खिलाड़ियों पे और खेल पे रहता है। बिल्कुल। थोड़ी सी और खबरों पर नजर डाल लेते हैं चलते चलते। स्पेन में युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जाडूमणि सिंह और भारत जून जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल महिला वर्ग में लशु यादव क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, और इसके अलावा प्रीति दहिया, हर्ष और आशीष ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। टेनिस से जो खबर हमारे पास आ रही है, जापान में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में रामकुमार रामनाथन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं यूएस चैलेंजर में प्रजनेश गुणेश्वर भी जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, और फिनलैंड में जो चैलेंजर टूर्नामेंट चल रहा है वहां दिविज शरण और पूरव राजा डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और एक और खबर हमारे पास है, स्टेफनास सीतीपास जो है वो एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कैस्पर रड और नोवाक जोकोविच पहले ही अपने ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो समय हमारे पास बहुत कम है, उत्तरा जी आप कार्यक्रम में आई और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ चर्चा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुशांत। और श्रोताओं चलते चलते आपको एक बार हेडलाइन फिर से बता देते हैं मुख्य समाचार अब तक के। मनु भाकर और ऐशा सिंह और शिखा नरवाल की महिला जूनियर टीम ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल वेलिंगटन में। लशु यादव युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, और रामकुमार रामनाथन जापान एटीपी चैलेंजर टेनिस के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद आपके लिए होगा अंग्रेजी में समाचार। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।